तो आज का विशेष उत्सव है। उत्सव तो जगन्नाथ पुरी में हो रहा था और आज नया उत्सव यहाँ शुरू हो रहा है। तो आज प्रमुख जो आचार्य गण है उनका आविर्भाव और तिरुभाव है। तो हर आविर्भाव और तिरुभाव में हमें शिक्षा प्रदान की है कि ऐसे आचार्यों का गुणगान किया जाए। तो कुछ समय के लिए प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप से लगभग 5 जो आचार्य गण हैं उनके चरित्र पर चर्चा करेंगे और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज उत्सव भी है वसंत पंचमी। वृंदावन में बहुत उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा होगा। मायापुर में भी इस बार में वसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष जो वस्त्र है राधा माधव पहनते हैं पीले वर्ण के। तो हम मायापुर में ही चलते हैं। अभी विष्णुप्रिया देवी का जो वर्णन है वो मायापुर से सुनते हैं। तो हम सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर बंगाल में आविर्भूत होते हैं और बाल्यकाल में निमाई के रूप में वो विशेष रूप से विद्या विलास की जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन करते हैं और उनको प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा सारे नवद्वीप वासियों को वो आनंद के सागर में डुबो देते हैं। तो ऐसे जो निमाई पंडित जो बहुत ही विद्वत ब्राह्मण के रूप में परिचित थे नवद्वीप में, तो उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने जब देह त्याग किया तो उसके पीछे पश्चात निमाई पंडित बंगाल अपनी माता को कहते हैं कि मैं कुछ अर्धन अर्जन करने के लिए जाता हूँ। तो बांग्लादेश जो आदि स्थान है उसको पूर्व बंगाल कहते हैं, वहाँ की उन्होंने यात्रा की और हजारों हजारों लोगों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की बंगाल में। और उनका विवाह हो चुका था, उनके पहले पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, भगवान की वो अंतरंग शक्ति है। क्योंकि जब ऐसे महाप्रभु गए वहां तो लक्ष्मी प्रिया उनका जो विरह है वो सहन नहीं कर पाई। और वास्तव में भक्ति में हम उन्नत कर रहे हैं उसका ये भी एक अर्थ है कि कितना अधिक हम विरह वैष्णवों से, कथा से, सेवा से, कृष्ण से, धाम से हो रहा है। अभी भौतिक संसार में क्या है, एक पुरुष को स्त्री से विरह होता है और एक स्त्री को पुरुष से विरह होता है, या फिर सांसारिक जो स्थान है उनके प्रति हमारे विरह की भावना होती है। तो लेकिन वास्तव में जब हम वैष्णवों से, भक्तों से, कथा से, शास्त्रों से, साधु संग से, धाम से, विग्रह से, प्रसाद से, प्रसाद से तो सबको विरह है, तो इनसे जब विरह महसूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ये जो काम की प्रवृत्ति है वो कम होने लगती है। तो ऐसे लक्ष्मी प्रिया देवी को विरह सहन नहीं हो रहा था। उनके जो पति हैं निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु से, तो वो बंगाल की यात्रा खत्म करके आने से पूर्व ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। ऐसे कहा जाता है विरह रूपी सर्प ने उनको दंश कर लिया। ये जो विरह को सर्प की उपमा दी गई है, जिसके रूप में उन्होंने जब देह त्याग किया, जब निमाय पंडित वापस आ गए तो इतने वो दुखी नहीं हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु अभी तो युवक ही थे, लगभग उनकी आयु 23 साल की थी, कितने साल की, 22 या 23 साल की। तो उनकी पहली पत्नी ने जब देह त्याग कर दिया, फिर उनकी जो माता है, चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सच्ची माता, उन्होंने सोचा कि अभी इनका दूसरा विवाह होना चाहिए। तो सच्ची माता
प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और वापस आते समय जब जाते थे तो एक युवती जिनका नाम विष्णुप्रिया था, वो युवती प्रतिदिन गंगा स्नान करके आते थे और इनके चरण कमलों का स्पर्श करते थे, इनसे आशीर्वाद लेते थे। ये सुशील कन्या है। तो जब इनको देखा तो सच्ची माता के हृदय में ये भावना आई कि मेरे जो पुत्र है निमाय, उनके लिए जो कन्या है ये क्या है, विष्णुप्रिया योग्य है। तो ऐसे जब उन्होंने सोचा, क्योंकि ये जो सारी भगवान की जो पत्नियां होती हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, पराश शक्तिर विविधय व श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की अलग अलग शक्ति हैं जो भगवत लीला में प्रकट होती हैं। तो भगवान की जो श्री शक्ति है, अंतरंगा शक्ति के भी कई सारे प्रकार हैं। जो श्री शक्ति है, जो भगवान का सौंदर्य संपत्ति की अधिष्ठात्री है, वो इस जगत में लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई थी नवद्वीप में। जो गौरांग महाप्रभु, जिनको गौर नारायण कहा जाता है, उनकी वो सेवा में लगे हुए थे। और जो दूसरी शक्ति है भगवान की, जगत उत्पत्ति और उसका पालन या स्थिति की जो शक्ति है, उसको भू शक्ति कहते हैं। तो ऐसी भू शक्ति ही विष्णुप्रिया देवी के रूप में इस जगत में क्या हो गई, प्रकट हो गई और वो भगवान का सेवा करने लगी। और तीसरी जो शक्ति है वो है लीला शक्ति, जिसको जो धाम है नवद्वीप धाम, वो लीला शक्ति का ही प्राकट्य है। वो धाम लीला शक्ति के रूप में प्रकट होता है, जो भगवान का रंगमंच बन जाता है, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर भगवान क्या करते हैं, अपने विभिन्न लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये लीला विधान करने वाली शक्ति है, वो भगवान का धाम है नवद्वीप धाम। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवत शक्ति है वो स्त्री रूप में प्रकट होकर भगवान की लीलाओं में सहायक बनती है। तो ये हो गया सैद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन है, क्या है उनकी शक्ति। फिर एक है लीला विचार, एक होता है सिद्धांत पर आप विचार करो, क्या सिद्धांत है। जैसे गीता सिद्धांत का भंडार है, भागवत क्या है, लीला का भंडार है। तो वैसे ही भगवान की लीलाओं में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। सिद्धांत क्या हम सीखते हैं उस लीला से, और वो लीला कितनी महत्वपूर्ण है। तो कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका में इनका परिचय देते हुए कहते हैं विष्णुप्रिया का, श्री सनातन मिश्रोय पूरा सत्राजितो नृपः विष्णुप्रिया जगन माता यत कन्या भूस्वरूपिणी। तो क्लियरली उन्होंने बोला है यत कन्या भूस्वरूपिणी। तो ये जो है विष्णुप्रिया, ये भगवान की भू शक्ति है। और ये पूर्व लीला में कौन थी, कृष्ण लीला में सनातन मिश्रोय पूरा सत्राजित नृपा, चैतन्य लीला में विष्णुप्रिया के फादर सनातन मिश्र है, वो पूर्व लीला में कौन थे, राजा सत्राजित थे। तो वो राजा सत्राजित थे, तो फिर ये विष्णुप्रिया उनकी कन्या थी पूर्व लीला में, जो कौन थी, सत्यभामा। ये सत्यभामा उनकी कन्या है जो प्रकट होती है। तो ऐसे ये जो है विष्णुप्रिया देवी प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान के लिए जाती थी, तुलसी की सेवा करना सुशील कन्या थी, सारे गुणों से संपन्न थी। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इतना आदर सम्मान सची माता को देते थे कि उनके रोज चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो सची माता को लगा कि मेरे पुत्र निमाय के लिए ये ठीक बहुवधु है, कन्या है। तो वो उनसे तुरंत ही, जो मैच मेकर है, शादी बनाने वाला होता है ना एक मैच मेकर पर्सन, काशीनाथ पंडित उनका नाम था, उनको भेजा गया, उनके द्वारा सारा अरेंजमेंट हुआ।
तो ये चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित तो इतने धनवान नहीं थे, ब्राह्मण कोई धनी नहीं होते, तो लेकिन नवद्वीप में एक महान उदार हृदय वाले भक्त थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। तो बुद्धिमंत खान ने सोचा कि ये निमाय पंडित का ऐसा विवाह करूंगा जो स्वर्ग में भी नहीं हुआ होगा, पृथ्वी में भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। इनका विवाह करने की जिम्मेदारी मेरी, सारा जो खर्चा है स्पॉन्सर किया था किसने, बुद्धिमंत खान ने। चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो पूरे एक दो चैप्टर है बहुत बड़े बड़े, केवल विवाह का वर्णन किया है जिसमें इतना विस्तृत वर्णन है कि कितना खर्च कराया, क्या क्या अरेंजमेंट्स की, कितने गिफ्ट्स बांटे। तो इस प्रकार से इनका विवाह हो जाता है। विवाह के तुरंत पश्चात चैतन्य महाप्रभु अभी एक यात्रा में निकल पड़ते हैं। कहाँ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र ने शरीर त्यागा है तो उनका पिंड दान करने के लिए वो सोचते हैं मुझे गया जाना है। तो जब वो गया जाते हैं और गया जाकर वहा विष्णु पद है, भगवान विष्णु पद ही कहते हैं उसको, एक चरण कमल है भगवान के उस वहां शिला के ऊपर, जहां ब्राह्मण विष्णु के चरण कमलों की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि यही वो चरण कमल है जिसको शिव जी अपने सर में धारण करते हैं, यही वो चरण कमल है जिससे गंगा क्या होती है, उद्भूत होती है। तो चरण कमलों की तो असंख्य महिमा है, तो वो सारे वहां पंडितगण चरणों की महिमा गा रहे थे। ये निमाय पंडित वहां जब पहुंचे अपने स्टूडेंट्स के साथ, निमाय पंडित सुन के ही रोने लगे, कितना प्रेम होगा कृष्ण के प्रति, यदि कृष्ण के बारे में सुन के ही आंखों से आंसू आ जाए या आंखें भर जाए तो समझना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त है। उसके जो कलमश है हृदय के सारे निकल पड़े हैं। इसलिए भागवतम के शुरुआत में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति कृष्ण नाम का उच्चारण करके जिसका हृदय विमल नहीं होता, जिसके आंखों से आंसू नहीं बहते, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो पौलाद के समान है। लोहे में भी पौलाद होता है ना, जो बड़ा कठोर होता है उसके समान है कहते हैं भागवत शुकदेव गोस्वामी शुरुआत में ही कहते हैं। तो निमाय ने जैसे ही चरण कमल देखे सुने तुरंत रोने लगे गदगद, और वहां से ऊपर ऐसा अपना गर्दन करते कि नहीं तो उनको एक महान वैष्णव का दर्शन होता है जिनका नाम था ईश्वरपुरी। उनको देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिरते हैं, कहते हैं कि आप गया यात्रा सबल आमार देखिला चरण तुम्हार, कि वास्तव में गया की यात्रा सफल हो गई क्योंकि यहां आकर किसके चरण देखे मैंने, आप जैसे महान भक्त के दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। तो इसलिए भक्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो निमाय पंडित बहुत गदगद हो जाते हैं, उनके चरण पकड़ते हैं और वहां ही चैतन्य महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करते हैं निमाय पंडित उनसे। दीक्षा लेकर जैसे दीक्षा हो गई उनमें परिवर्तन आ गया। दीक्षा के बाद परिवर्तन आना चाहिए, हमारे अंदर अलग परिवर्तन आता है। दीक्षा के पहले बहुत विनम्र होते हैं, बिल्ली बन के रहते हैं, वेट करते बस दीक्षा हो जाए मेरी, कैसे तो फिर दिखाता है इसको ये मेरे ऊपर ताव जमाता है, मेरी भी दीक्षा होनी चाहिए तब दिखाता हूँ क्या है। और जैसे दीक्षा हो जाती है ना किसकी, तुरंत वो शेर के समान व्यवहार करता है भक्तों से। इससे संबंधित तो मुझे कथा याद आती है, पुना मुशिक भवन, साधु ने वो चूहे को दीक्षा ही दी थी, दीक्षा देकर ही तो कहां तक पहुंचा था, शेर बना था। लेकिन जैसे ही दीक्षा वो लेवल से गया, ऐसे नहीं पहली दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा संन्यास परी बहुत सारी दीक्षाएं हैं, तो वो चूहे की भी ऐसी बहुत सारी दीक्षाएं होते होते पहले वो चूहा बिल्ली बना, फिर कुत्ता बना, फिर शेर बना, ऐसे हो गया। जैसे शेर बना तो उसका और चौड़ा हो गया, उसने कहा जिसने दीक्षा दी उसी को देखता हूं अभी,
उसको खाने के लिए तत्पर हो गए। तो साधु ने कहा पुनः मुशिक भवन। तो ये दीक्षा होने के बाद परिवर्तन का मतलब क्या है? और ही जो साधु के गुण है, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांतः साधवा साधु भूषणः, हाँ, इससे भूषित हो जाना चाहिए व्यक्ति दीक्षा के बाद। तो ये गुण विकसित हो जाने चाहिए। तो लेकिन नहीं, हम प्रभुत्व पाने का जो गुण है वो विकसित हो जाता है और फिर अलग व्यवहार कर बैठते हैं, जिसके द्वारा हमारा हृदय कठोर हो जाता है। मैं भी आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो बाहरी रूप से, लेकिन हृदय कठोर हो जाएगा और कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए निमाय पंडित ने जब दीक्षा लिए, परिवर्तन क्या आ गया, सब उनको अपने से बढ़कर लगने लगे। दीक्षा के बाद हम सबसे अपने आप को बढ़कर लगने लगते हैं। निमाय ने सबको देखा वहां सबसे बढ़कर, और फिर केवल क्रंदन करने लगे और कहा करते थे कोथाय कृष्ण कोथाय कृष्ण, कहाँ है कृष्ण कहाँ है, है ना। हाँ, दीक्षा के बाद किसके लिए रोना चाहिए? कृष्ण के लिए। हम आप अपने आप को सोचा किस किस चीजों के लिए रोते हैं। तो ऐसे दीक्षा के बाद जैसे वो आ गए जगन्नाथपुरी, आजकल दिमाग में चल रहा है जगन्नाथपुरी नहीं, जैसे वो मायापुर आए, तो मायापुर जैसे आए तो सारे नवद्वीप के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। और पहले ये निमाय पंडित पहले क्या है, जहाँ भी जाते थे ना आके पूरा ऐसे घमंडित हो जाते थे, हाँ, लेकिन अभी बिल्कुल ही विनम्र। नवद्वीप वासी सोचने लगे ये व्यक्ति पूरा ताड़ के समान नो हट्टा कट्टा और इतना घमंडी होता था, अभी इनका बिल्कुल उसका विनम्र व्यवहार है सबके प्रति, और विशेष रूप से भक्तों को जब देखते थे, हाँ, तो उनके प्रति तो बहुत विनम्रता का भाव था और हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। तो ऐसे निमाय पंडित नवद्वीप में विचरण करते हैं और कृष्ण के लिए इतने पागल हो गए, हाँ, कि चिल्लाते रहते थे। तो ये जो विष्णु प्रिया उनकी पत्नी है, हाँ, ये सची माता क्या करती थी, उसको कहती थी ये तो अभी पागल ही हो गया है, जाओ उसके पास बैठो। हाँ, ये विष्णु प्रिया को सामने बिठा देते थे। हाँ, निमाय पंडित भावावेश में आके ऐसे देखते थे, वो बेचारी डर के भाग जाती थी, अपने पति के सामने नहीं आते थे। तो ये सची माता सोचते थे क्या हो गया मेरे पुत्र को, कोई भूत पिशाच आदि ने तो नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं इसको वायु रोग हो गया है, वायु गड़बड़ने से नाभि गड़बड़ा जाती है ना, नहीं नाभि हिल गई, पेट की समस्याएं होती हैं, वैसे वायु के हलचल मचने से व्यक्ति पागल हो जाता है और कुछ भी बड़बड़ाता है। हाँ, तो वायु रोग तो हो गया ऐसे लग रहा था। फिर इनको पूरा चंदन तेल से स्नान कराते थे, मसाज कराते थे। हाँ, तो ऐसे फिर उन्होंने संकीर्तन आदि आंदोलन शुरू किया और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, फाइनली संन्यास ग्रहण करना है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जैसे सोचते संन्यास ग्रहण करना है, तो ये बात वो कई भक्तों को जाकर बताते हैं। सर्वप्रथम वो नित्यानंद प्रभु को बताते हैं, सची माता को, श्रीनिवास ठाकुर, मुकुंद को, हाँ, इन सबको बताते हैं, गौरीदास पंडित को भी, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बताते। किसको? विष्णु प्रिया देवी को। तो विष्णु प्रिया देवी को भनक तो लगी थी, पति की सारी भनक पत्नी को इधर उधर से लग जाती है। हाँ, तो ऐसे विष्णु प्रिया देवी को नींद नहीं आती थी कि मेरे जो पति है वो अभी अभी विवाह हुआ था, एक साल भी नहीं हुआ था, और ये व्यक्ति जिससे विवाह किया वो संन्यास लेके जाने की सोच रहा है। कितनी बड़ी घटना है एक स्त्री के लिए, नव विवाहित युवती के लिए, अभी अभी विवाह करके आई है कुछ महीने और पति क्या हो रहा है, संन्यास। संन्यास का अर्थ है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। इवन ये ऑफिशियल्स संन्यास स्वीकार करते हैं तो उसको डेड घोषित कर देते हैं कि वो मृत है व्यक्ति,
तो ऐसा संन्यास लेना मीन्स, और संन्यास लेने के बाद नियम है कि जिस गांव में उसने जन्म लिया है उस गांव का दर्शन नहीं करना है बिना, और पत्नी है गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास लिया तो जो पत्नी थी पूर्व आश्रम में उसका मुख फिर से कभी देखना नहीं है गलती से, बहुत कड़क होते थे। हमारे एक महाराज थे गौर गोविंद महाराज, भुवनेश्वर में उन्होंने जो मंदिर बनाया तो उड़ीसा के थे, उनका गांव नजदीक था, वो विवाह भी हुआ था, वो सब छोड़कर चले गए थे। तो उनकी पत्नी कभी कभी मंदिर आना चाहती थी, उन्होंने पूरे शिष्यों को लगा दिया था कि उसको इस प्रांगण में प्रवेश करने नहीं देना। तो मतलब वो स्त्री का मुख देखना पत्नी का एक सन्यासी को मृत के समान है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे सन्यास लेना है। ये सब सब जगह चर्चा हो रही थी, सबसे सुना था, और विष्णुप्रिया ने सची माता को भी पूछा था तो उन्होंने उनको कंफर्म किया था कि वे सन्यास लेके गायब होने वाला है, तुम्हारा जो पति है ना निमाय जाने वाला है। विष्णुप्रिया ने सोचा मैं तो अकेली वहां पे, रोने लगी। और युवान सची माता भी सोचने लगी मैं तो अभी अकेली हूँ, एक ही तो आश्रय थे निमाय मेरे, बूढ़ी हो गई थी वो, और उनके पति जगन्नाथ मिश्र शरीर त्याग चुके थे। तो अपने माता को वो कहते कि हे माँ, तुम्हें याद नहीं है जब तुम आदित्य के रूप में थी, मेरे पिता कश्यप मुनि थे, तुम्हें कौन से रूप में आया था तुम्हारे पास? वामन देव के रूप में। कहते जब तुम देव होती थी तो मैं कपिल बना था, और जब तुम कौशल्या थी तो उस समय मैं राम था, और जब तुम देवकी थी तो उस समय मैं कृष्ण के रूप में। अरे माँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा होता हूँ, जन्मों जन्मों से है, अभी थोड़ा जाने दो मुझे। मुझे एक विशेष आंदोलन मैंने स्वीकारा है जीवों के उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आयु 24 हो गई थी और विष्णु प्रिया की आयु 16 साल की थी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु 24 साल की आयु में वो सोचते संन्यास लेना है। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप को छोड़ने वाले थे उस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, गंगा उनके साथ रोज हजारों की संख्या में भक्त गंगा स्नान करने जाते थे, उसके बाद आकर हरिनाम करते थे चैतन्य महाप्रभु, फिर अपने घर में जाकर सबसे पहले प्रवेश करके स्नान करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करते थे, तुलसी को जल देते थे, उसको प्रणाम करते थे, फिर उनके घर में जो शालिग्राम शिलाएं हैं उनकी आराधना करते थे, उनको फिर अर्पित भोजन है उसको स्वीकार करते थे। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रूटीन था, और नवद्वीप के सारे वासी सुबह सुबह उनको उनके मुख कमल को देखने आते थे, उनका दर्शन करने के लिए आते थे। तो ऐसे जब हुआ दिन भर डिवोटीज आ रहे थे, किसी को पता नहीं कल से नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु नहीं रहेंगे, तो दिन भर नवद्वीप के भक्त लोग आ रहे थे उनका दर्शन करने के लिए, माला लेकर आ रहे थे, कुछ भेंट लेके आ रहे थे। संध्या हो गई जैसे हम सुनते हैं, फिर सबसे आखिर में एक भक्त आए, कौन थे? खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर बहुत सरल स्वभाव के, बहुत गरीब भक्त थे, लेकिन हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ देने की भावना रहती थी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उनका झोपड़ी के ऊपर कद्दू आ गया था, बड़ा हो गया था, उसको लेके आए पंकिन को, और चैतन्य महाप्रभु को दिया। चैतन्य महाप्रभु बहुत, निमाय पंडित बहुत आनंदित हो गए, कोला बेचा की ये जो गिफ्ट है उसको, आपका यदि बर्थडे आ जाए और सब भक्त आपको एक एक कद्दू लेके आए, हाँ कैसे लगेगा? महाप्रभु को अच्छा, बहुत आनंदित थे। कृष्ण को तो वो उसने क्या खिलाया था, छिलका केले की। तो फिर उसको लेते हैं और अपनी माँ विष्णुप्रिया को कहते हैं कि तब तो अचानक दूसरा भक्त आया जो दूध लेके आया था, कहा इसका स्वीट राइस बनाओ, स्वीट राइस जो भी स्वीट बनाओ। महाप्रभु वो स्वीट बनाकर खाते हैं और जाते हैं, विश्राम करते हैं।
विश्राम कर ही रहे थे तो ये जो विष्णु प्रिया है वो आ गई, महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और बहुत रोने लगी। चरणों वो इतनी रो रही थी कि उनकी सारी भीर भीग गई थी। और चरणों को उसने उठाया, हाँ चरणों को उठाया और अपने सर पर रखा तो चैतन्य महाप्रभु की नींद खुल गई। कहते हैं, प्रिया क्या हो गया तुम्हें, क्यों क्रंदन कर रही हो? उसे वो कहती है कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सर पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाने वाले हैं, क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? हाँ, तो ये महाप्रभु कहते नहीं नहीं, ये किससे तुमने सुना, मैं तो संन्यास कुछ लेने वाला नहीं हूं। हे सब लोग ऐसी कुछ बातें बना रहे होंगे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? वो सीधी सादी विष्णु प्रिया देवी कहते पूरा विश्वास है। ये जो कृष्ण है ना, द्योतम छलयातास्ता, क्या है वो, द्योतम छलयास्ता, कहते कि मैं सारे छलियों में सबसे बड़ा छल करने वाला हूं। हम किसी को धोखा देना चाहते हैं, कृष्ण को भी कभी कभी धोखा देते हैं हम। हाँ, कैसे धोखा देते हैं, जिलेबी खुद को खानी होती है लेकिन भगवान कहते भगवान आज आपको जिलेबी ऑफर करेंगे, खानी तो जिलेबी मुझे है, ठंड आ गई, हाँ गाजर का हलवा भगवान आपके लिए, लेकिन सारा ध्यान किसकी ओर है, अपने लिए। हाँ, कद कौन सी शाक है, विंटर में क्या खाते हैं यहाँ पंजाबी, सरसों का शाक और चने नहीं मक्के की रोटी। हाँ, तो ये सब अपने लिए है, ये सब चीटिंग ही तो करते हैं हम कृष्ण को। हाँ, तो भगवान बहुत बड़े धोखा देने वाले हैं। हाँ, तो ऐसे कहा कि आप बताओ बताओ, महाप्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, फिर सो जाते हैं। फिर ये विष्णु प्रिया को तो नींद नहीं आ रही थी, उठी फिर से छाती में चरण रखी, कहते बताइए बताइए, हाँ यदि आप संन्यास लेंगे। हाँ, मैं सुन के ही ऐसे लग रहा था कि मैं आगे आग में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि आप संन्यास लेंगे तो मेरा जो जीवन है, धन है, सौंदर्य है, वस्त्र है, आभूषण है, इनका क्या लाभ, ये सब तो आपके लिए है, आप यदि चले जाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, आपके जो चरण कमल है, शीर्षा एक फूल होता है उसके समान अति कोमल है, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि जहाँ कंकड़ है, कंटक है, उन स्थानों में आपके चरण पड़े, हाँ तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। हाँ, तो ऐसी कष्टमय स्थिति को मैं देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, आप ही एकमात्र मेरे शेल्टर हो, आश्रय हो, और आप ही मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसका आश्रय लूंगी। और ये सची माता जो आपकी वृद्ध माँ है और जो भक्त है, जो आपसे इतना प्रेम करते, कहते देखो ये श्रीनिवास या श्रीवास ठाकुर कितना प्रेम करते हैं, जिनके घर में पुत्र मरा खुद का और आप नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु को मत बताइए, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उनको नाचने दो। तो इतना प्रेम करते कि वो अपने पारिवारिक जनों का भी ख्याल नहीं दे, उससे भी अधिक बढ़कर आपको स्वीकार करते हैं। हाँ, यदि आप छोड़कर चले जाएंगे तो नवदीप के सारे भक्त देह त्याग करेंगे। हाँ, मैं भी देह त्याग करूंगी। हाँ, विष आदि लेकर कृपया आप घर में रहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, किसने कहा आपको ये सब में संन्यास लेने वाला हूँ? फिर वो फिर सो जाते, फिर उठकर उनका जो हाथ है, हाँ वो अपने सर पे रखती है, छाती पर रखती है, और वो कहती है कि मुझसे छूट मत बोलिए। तब इतना सब हुआ तो चैतन्य महाप्रभु से रहा न गया निमाय पंडित से। फाइनली उन्होंने सच कहा, हाँ कि मैं क्या करने वाला हूँ विष्णु प्रिया, संन्यास लेने वाला हूँ। फिर एक लंबा प्रवचन दिया चैतन्य मंगल में, बड़ा ये महत्वपूर्ण लीला है। चैतन्य मंगल की ये खासियत है कि जिसमें विष्णु प्रिया और
चैतन्य महाप्रभु का सन्यास की पूर्व रात्रि में जो संवाद है उसका विस्तृत वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे विष्णु प्रिया, ये सारा जगत अशाश्वत है, दुखालय अशाश्वत। वो कहते हैं कि दो चीजें शाश्वत है, एक है भक्त है और दूसरा भगवान का क्या है नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि यही दो ही योग्य है जिनका आश्रय लेना चाहिए, नाम का और भक्तों का। बाकी सारी क्या योग्यता नहीं है, बाकी सारी चीजें तो भ्रममय है। इस संसार में कौन किसका पुत्र है, पति है, माँ है, बाप है, स्त्री है, पुरुष है, कौन किसका है? कृष्ण के अलावा, कृष्ण के चरणों के अलावा यदि हम किसी को अपना कहते हैं तो वो केवल छलावा है, धोखाधड़ी है। ये सब माया शक्ति के द्वारा प्रदत्त ये सारे पति पत्नी बच्चे ग्रह रिश्तेदार, हाँ ये सब है। इनसे क्यों प्रभावित होना है किसी व्यक्ति को? जान लेना चाहिए कि ये सारे जो संबंध है शाश्वत नहीं है, हाँ वो मुझे दुख ही देने वाले हैं। महाप्रभु ने कहा कि एक जीव क्या करता है, केवल प्रेम करने का प्रयास करता है। जब बचपन से माता के गर्भ से जन्म लेकर मृत्यु तक ढूंढता है प्रेम करने के लिए योग्य व्यक्ति, आश्रय प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ तो हम, महाप्रभु ने कहा, कृष्ण की सेवा छोड़कर हम सब कुछ इस शरीर से करते हैं। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम्हें याद नहीं है तुम यहां क्यों आए हो मेरे साथ लीला संपन्न करने के लिए? मैं तो सारे जगत का उद्धार करने के लिए संन्यास लेने वाला हूं। तो ऐसा बहुत सारी बातें उनको बताई और क्या किया, उनको कहा कि हे विष्णु प्रिया, तुम सार्थक करो अपना जो जीवन है, और क्या करो, कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाओ और मेरी सहायता करो। ऐसा बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। हम बाकी तो कई जगह षडभुज रूप दिखाया था, नित्यानंद प्रभु को दिखाया था, सर्व भट्टाचार्य को दिखाया था, यहाँ विष्णुप्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु चतुर्भुज रूप दर्शन कराते हैं। और फिर जैसे सुबह हो जाती है अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे घर से बाहर जा रहे थे तो सची माता दरवाजे में बैठी थी। चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनकी माता बिल्कुल कुछ शब्द नहीं बोल पा रही थी, एक मूर्ति के समान खड़ी थी, केवल उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को परिक्रमा करते उनकी तीर्थ, माता के चरणों में अपना सर रखते हैं और कुछ बात किए बिना क्या करते, घर छोड़ते हैं। हाँ इतना बड़ा त्याग, किसके लिए त्याग, किसके लिए? हाँ कृष्ण के लिए नहीं, हमारे लिए, जगत के लिए। वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही सब कुछ छोड़ते हैं जगत के उद्धार के लिए। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि किसी न किसी के सैक्रिफाइस से हम अभी भगवत भक्ति में हैं। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किसने किया हम सबके लिए? श्रील प्रभुपाद ने। हमेशा इसलिए ग्रेटफुल रहे कि कोई भी चीज हमें प्राप्त हो रही है, सारी सुविधाएं हो, भक्तों का संग हो, कुछ भी चीजें हो, ये क्या है? श्रील प्रभुपाद का सैक्रिफाइस है और भक्तों का सैक्रिफाइस है, हाँ जो हमारे आसपास है। तो इसलिए कभी भी हमें घमंडित नहीं होना चाहिए, सदैव ये जानना चाहिए कि मैं ऋणी हूँ, हाँ ऋणी हूँ हमेशा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। हाँ तो उसके बाद सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु कटवा में सन्यास लेते हैं। उनका नाम निमाई तो था, लेकिन केशव भारती कहते हैं कि आप तो सबके जीवों में कृष्ण चेतना को जगाओगे, इसलिए आपका नाम क्या होगा? श्री कृष्ण
चैतन्य, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण करके चैतन्य महाप्रभु आ जाते शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर। अभी दो दिन के बाद उनका आविर्भाव है, उनके घर आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु, बल्कि नित्यानंद प्रभु को भेजा था उन्होंने नवद्वीप संन्यास लेने के बाद कि तुम नवद्वीप चले जाओ, सारे नवद्वीप वासियों को बोलो कि मुझे मिलने के लिए आ जाए, लेकिन एक व्यक्ति को मत बुलाना। वो कौन थी? विष्णुप्रिया। जैसे विष्णुप्रिया को पता चला ना, सबको इन्वाइट कर दिया, मुझे छोड़ दिया। अकेली बची थी वो नवद्वीप में, क्योंकि वो पत्नी थी उनकी, उनका मुख नहीं देख सकते संन्यास के बाद, वो एक संन्यास धर्म है। तो फिर वो क्रंदन कर रही थी वहाँ आंगन में उनके ग्रह के। फिर तो बहुत ही विरह वेदना से उनका जीवन बीता। विष्णुप्रिया देवी रोज, उनको ऐसे कहा जाता है कभी सूर्य और चंद्रमा नहीं देख पाए। सूर्य उदित होने से पूर्व ही विष्णुप्रिया देवी सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे और फिर वापस आते थे। कोई भक्तगण देखते थे तो उनके चरण कमल उनको दिखाई देते थे, उसके अलावा विष्णुप्रिया देवी का दर्शन नहीं होता था। तो ऐसे विष्णुप्रिया देवी जो भगवान के अंतरंग शक्ति है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विरह का बहुत ही अत्यधिक रूप से आस्वादन किया था, तो फिर वो उनके पास भगवान के चरण कमल चरण पादुकाएं थी जिनका वो आराधना करते थे। और इसके अलावा उनकी कठोर नाम व्रत का वर्णन जानवा माता के शिष्य हैं नित्यानंद दास, उन्होंने ग्रंथ लिखा प्रेम विलास, उसमें करते हैं। वो कहते हैं क्या बताओ विष्णुप्रिया देवी का नाम व्रत के बारे में, कि जो भी उसको सुनता है उसका जो हृदय है पिघल जाता है। कई नाम व्रति देखे होंगे लेकिन विष्णुप्रिया के जैसे कोई हरि नाम नहीं करता था। विष्णुप्रिया देवी सुबह उठते ही स्नान आदि के पश्चात हरि नाम का उच्चारण करने लगती थी। दो छोटे से कुल्हड़ अपने सामने रखती थी मिट्टी के, एक में राइस रखती थी और एक खाली रखती थी। जैसे ही हरि नाम हो, कई बार वर्णन आता है कि एक मंत्रा हो या फिर एक माला के बाद वो क्या करते थे, या एक मंत्रा के बाद एक चावल का दाना लेकर दूसरे मिट्टी के पात्र में डालते थे, और संध्या तक जितने चावल के दाने हो उनको क्या करते, कुक करके महाप्रभु को अर्पित करके उसको सेवन करते थे। अब सोचिए इतना उनका नाम व्रत था, तो ऐसा भया मतलब इतना पावरफुल नाम व्रत। तो ऐसे विष्णुप्रिया देवी उनको सपने में एक दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ये दोनों अकेले ही थे, सची माता और कौन विष्णुप्रिया देवी, कौन उनकी सेवा करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक हैं भक्त थे नवद्वीप के, जिनका नाम था बंसीवदन ठाकुर, जो बंसी के अवतार है, किसके अवतार है, बंसी जो बजती है ना उसके अवतार है। तो बंसीवदन ठाकुर की सेवा थी विष्णुप्रिया देवी और सची माता का देखभाल करना। तो बंसीवदन ठाकुर के स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उसी रात को विष्णुप्रिया देवी के स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। आकर वो कहते हैं कि जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ है, उस नीम वृक्ष से क्या बनाओ, मेरा विग्रह बनाओ, और हे विष्णुप्रिया उसकी आराधना करो। तो फिर ये बंसीवदन भी उनको जाके बोलते हैं, तो वो नीम वृक्ष से महाप्रभु के विग्रह बनाए जाते हैं, जिनको क्या नाम पड़ा, धामेश्वर महाप्रभु। आज भी नवद्वीप में जो कोलद्वीप है वहाँ ये वगैरह पूजित हो रहे हैं, उनकी आराधना करते थे, और सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। तो ऐसे ये जो विष्णुप्रिया देवी हैं जिनके विग्रह आज भी पूजित होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की
भार्या थी या शक्ति थी और उनके बारे में गाया जाता है। वो क्या गाया करते थे? भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नामरे जय जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे। कि गौरांग का नाम लो, गौरांग के नाम को भजो, और जो गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करता है या गौरांग महाप्रभु की महिमा का गान करता है वो मेरे प्राण है। हाँ, तो इस प्रकार से विष्णु प्रिया देवी का जो चरित्र है संक्षिप्त में आता है। तो ये भगवान की अंतरंग शक्ति है जिनसे प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, ताकि भगवान नाम में थोड़ा सा आसक्ति हमारे हृदय में जागृत हो सके। विष्णु प्रिया देवी की। और तो बहुत ही आचार्य हैं, नौ तो बज गए हैं, दो दो मिनट में बाकी आचार्यों का वर्णन करता हूँ। तो रघुनंदन ठाकुर के पिता का नाम था मुकुंद दास, और उनके चाचा थे नरहरि सरकार। हाँ, रोज गौर आरती में गाते हैं ना, नरहरि आदि करी। तो ऐसे जो मुकुंद है ये वैद्य थे, डॉक्टर थे, महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। हाँ, ये बंगाल के पास कटवा के पास, बंगाल में कटवा नामक जो स्थान है उसके पास एक गांव है श्रीखंड, श्रीखंड के निवासी थे खंडवासी मुकुंद। हाँ, उनके पुत्र थे नरहरि, ये नरहरि नहीं रघुनंदन ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो ये जो मुकुंद दास और नरहरि सरकार जब जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन तुम्हें पिता पुत्र तोमा श्री रघुनंदन। ये बताओ ये जो रघुनंदन है वो तुम्हारा पुत्र है या तुम्हारा पिता है, क्या है एग्जैक्टली कुछ बताओ मुझे। कि रघुनंदन पिता तुम्हें तारतनाय निश्चय करिया कहा जाओ संशय। मुझ में डाउट है ये रघुनंदन के तुम पुत्र हो या रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है। ये महाप्रभु विचित्र प्रश्न पूछते हैं, जो ओरिजिनल पिता है उनको ही पूछते हैं कि तुम्हारा वो पुत्र है या तुम पुत्र हो। तो जब ये सुना तो मुकुंद जो पिता थे नरहरि रघुनंदन ठाकुर के वो कहते हैं मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है हमें तारा पुत्र हमारा निश्चय है। वो कहते हैं कि वो मेरा जो बेटा है ना वही हमारा पिता है, हम सब उसके पुत्र है तनय है। हाँ, तो कोई कह सकता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है थे अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चिते। क्योंकि ये रघुनंदन के कारण ही ये जो कृष्ण भक्ति है हम सबको मिली है, इसी कारण से वो क्या है पिता है। ये है उसके पीछे कारण। हाँ, तो ये रघुनंदन महान भक्त थे, क्योंकि मुकुंद दास मुस्लिम शासक जो बादशाह था नवाब हुसैन उसके यहाँ डॉक्टर का काम करने जाते थे, उसके राज वैद्य थे। एक दिन चले गए तो उनके पुत्र को बोला मुकुंद तुम क्या करो, घर में जो विग्रह है गोपीनाथ के उनको भोग अर्पित करो। छोटे से बालक थे, तो जैसे उनकी माँ ने उनको थाल दिया भोग का, और इनको कोई मंत्र आदि पता नहीं थे, ये रघुनंदन जाते हैं और गोपीनाथ के सामने रखते गोपीनाथ आप इसको स्वीकार करो खाओ। तो देखा गोपीनाथ खा ही नहीं रहे हैं, भगवान कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, आंखों से खाते हैं। हाँ, तो बेचारे रोने लगे, उन्होंने कहा आप बड़े लोगों के हाथ से खाते हो, छोटों के हाथ से नहीं खाते हो। हाँ, उन्होंने कहा आप नहीं खाओगे तो माथा फोड़कर या प्राण त्याग दूंगा। वो भगवान डर गए गोपीनाथ, गोपीनाथ को लगा ये बालक कोई साधारण नहीं है। हाँ, तो गोपीनाथ खाने लगे पूरा प्लेट खा चुके थे, खाली प्लेट लेकर दौड़ के गए अपनी माता के पास
कहते गोपीनाथ ने खा लिया सारा प्रसाद, माता को लगा ये बच्चों को बांट के आया होगा उधर बाहर खेलते हैं, सारे बच्चे खेल रहे थे। तो ये मुकुंद दास जब आ गए ना ऑफिस, ऑफिस से मुकुंद दास ने पूछा ये रघुनंदन कहाँ है प्रसाद, कहते गोपीनाथ ने खा लिया। तो उनको फिर लड्डू दिए जाते बनाकर, देखते कि सही में गोपीनाथ खाते या रघुनंदन खाता है या उसके फ्रेंड सर्कल सब खाता है, तीनों में से कौन खाता है लड्डू प्रसाद। तो लड्डू लेके रघुनंदन दौड़ते दौड़ते गोपीनाथ के पास गए, गोपीनाथ के पास गए, गोपीनाथ के पास लड्डू अर्पित किया। तो गोपीनाथ ने क्या किया, लड्डू उठाया और आधा लड्डू खाया और आधा लड्डू अपने हाथ में रखा। क्यों रखा अपने हाथ में, क्योंकि सारे जगत को गोपीनाथ दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे कि ये जो मेरा प्रेम है इस रघुनंदन के प्रति कितना अद्भुत है कि जिसके लिए मैंने लड्डू खाया। तो आज भी आप जाते हो जहाँ एक शिखंड नामक गांव है, वहाँ गोपीनाथ के इतने से विग्रह है गोपीनाथ, उनके हाथ में क्या मिलेगा आपको, लड्डू। लेकिन अभी वो लड्डू ये हो गया है, वो वाला लड्डू नहीं रहा, किसका, आटे या मैदे का नहीं, वो अभी बिल्कुल विग्रह, लड्डू भी विग्रह बन चुका है। तो आज भी गोपीनाथ के हाथ में लड्डू प्राप्त होता है। तो ऐसे रघुनंदन विशेष भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा करते थे तो उस समय जो सात रथ यात्रा के सामने जगन्नाथ के सामने सात कीर्तन पार्टियां होती थी, उसमें से एक पार्टी किसकी होती थी, रघुनंदन की होती थी। तो ऐसे रघुनंदन के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रघुनंदन का प्रिय हो जाता है, रघुनंदन ठाकुर का, वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करता है या सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। तो और एक वैष्णव है पुंडरीक विद्यानिधि, जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये मेरे बाप हैं, रोते थे क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज थे। पुंडरीक विद्यानिधि गंगा से बहुत प्रीति रखते थे, गंगा रिवर से उनको बहुत दुख होता था, इसलिए वो दिन में कभी दर्शन करने नहीं जाते थे गंगा का। सब लोग उसमें स्नान करते थे, थूकते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, गाय भैंस भी धोते हैं, खुद को भी धोते हैं। तो उनको लगा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट होता था। तो कष्ट देखा नहीं जाता था इसलिए दिन में नहीं जाते थे, सब शांत हो जाए रात में जाते थे, आचमन करते थे, प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे। और ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि बाह्य दृष्टि से उनको कोई देखेगा, चैतन्य महाप्रभु एक दिन नवद्वीप में जोर जोर से रोने लगे, हे मेरे बाप आप कहाँ हो, कहाँ हो पुंडरीक, मेरे पिता आप कहाँ हो। अचानक कीर्तन करते करते भक्तों को लगा ये क्या हो गया, ये कौन है पुंडरीक पुंडरीक जिनके बारे में बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए। तो फिर कुछ दिनों के बाद ये पुंडरीक विद्यानिधि बंगाल में थे, वो नवद्वीप आके रहते हैं। फिर सबको पता चलता है कि पुंडरीक साधारण भक्त नहीं है, महाभागवत है। तो जब ये सब वर्णन सबने सुना था उनके बारे में, तो ये गदाधर पंडित को लगा कि मुझे उनको देखने जाना है, जरूर ऐसे महान भक्तों को देखूं, उनसे वार्तालाप करूं, उनकी सेवा करूं। तो गदाधर पंडित के साथ मुकुंद गए थे, मुकुंद दत्त। और ये जब लोग पहुंचे उनके घर में, तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि है बिल्कुल सिल्क के कपड़े धारण किए हुए थे और माथे में लंबे लंबे बाल जो पूरा चंदन के तेल से सिक्त थे, बहुत सारे सुगंधित द्रव्य शरीर में डाले हुए थे, बड़ी बड़ी मालाएं पहने थे। इतना भी नहीं, कई सेवक उनको चामर कर रहे थे और बहुत महंगे आसन में बैठकर पांव ऐसा ऊपर करके एक हाथ से सुवर्ण के थाल में जो पान है उसको लेकर ऐसे चबा रहे थे, मुंह बिल्कुल लाल हो चुका था और नीचे सुवर्ण के थूकदानी पिकदानी थी उसमें थूकते जा रहे थे। और ये गदाधर जैसे गए ना, उन्होंने सोचे इतना सुना था ये तो महाभागवत है, लेकिन ये महाभागवत तो पिकदान में थूक रहे हैं, हाँ क्या पान पान खा खा के। तो जैसे ये बाह्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, ये भक्त नहीं हो सकते।
तो इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए, एक आदत तो जरूर डालनी चाहिए। जो मर्जी हो किसी भी भक्तों को क्या नहीं करना, मुझे जज नहीं करना है। जज को क्या कहते हैं हिंदी में, जज नहीं करना मीन्स आकलन नहीं करना है। हाँ, कौन कैसे है क्या है, हाँ आकलन करना है तो किसका करना है, स्वयं का, अपने बारे में। तो ये जैसे गदाधर पंडित, देखो जो राधा रानी है पूर्वज जीवन में, वो उनको पहचान नहीं पाए, तो लीला है। तो फिर ये देखा किसने, मुकुंद को लगा ये गदाधर के मन में कुछ चल रहा है, इस भक्त के बारे में कुछ गलत चल रहा है। ये सोचने लगे गदाधर, कैसा भक्त है ये, ऐसा थोड़ी होता है, सिल्क के वस्त्र धारण कर लिए, पूरा चंदन का तेल लगा रहा है, फिर पान भी खा रहा है, इतने लोगों से सेवाएं भी ले रहा है। तो गदाधर पंडित सोचते जा रहे थे। मुकुंद को लगा ये गदाधर अपराध कर रहा है। फिर मुकुंद ने क्या किया, भागवत का एक श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, हाँ कि कैसे भगवान दयाद्र है कि जो पोतना है उनको स्तनपान कराया था विष से युक्त, उसको भी भगवान अपने माँ का स्थान देते हैं। ये श्लोक जैसे पुंडरिक विद्यानिधि जो ऐसे बैठे थे मस्ती में पान चबा रहे थे, श्लोक कान में गया तो वहां से ऊपर से गिर पड़े, कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोने लगे, सारे जो भगवत भाव के अष्ट विकार है उनके शरीर से दिखने लगे। तो गदाधर पंडित समझ गए कि ये पुंडरिक विद्यानिधि कोई साधारण नहीं है। तो मुकुंद दत्त ने उनको बचाया, इसलिए क्या कहा भी जाए तो अकेले न जाए, किसको कोई उन्नत भक्त क्या करे उसके संरक्षण में जाए तो हम सेफ है। क्योंकि हमारा ये जो भौतिक चेतना है, भौतिक बुद्धि है, वो कभी भी हमें स्थान से गिरा सकती है, अपराध हमारे इनसे हो सकते हैं। तो फिर चैतन्य इन्होंने सोचा मैंने इनसे अपराध कर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो गदाधर पंडित मंत्र भूल चुके थे गुरु ने दिया हुआ, तो ये फिर से इनसे स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को पूछकर, ये उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ऐसा मंत्र दीक्षा उनसे स्वीकार करते हैं। वे पुंडरिक विद्यानिधि का जगन्नाथ के साथ भी एक लीला है। एक दिन ये ठंड का दिन शुरू होता है तो जगन्नाथपुरी में ये ओढ़न षष्ठी आता है, तो उस दिन जगन्नाथ को ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं और वो माड़ लगा होता है उनमें, ना कड़क कड़क होते हैं ना, माड़ लगा होता है। तो ये गए गदाधर पंडित पुंडरिक विद्यानिधि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने। जिस दिन पूरे माड़ से युक्त वस्त्र जगन्नाथ को पहनाए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा ये सब तो अशुद्ध है, पहले माड़ से युक्त वस्त्रों को धोना चाहिए फिर धारण करवाना चाहिए विग्रह को। अरे कैसे ये पंडा लोग है, कुछ बुद्धि बुद्धि है कि नहीं इनको, ऐसा सोच के चले गए घर। हाँ, ये जगन्नाथ बहुत डेंजर पर्सनैलिटी है, भक्तों के बारे में कुछ बोलोगे उनके तो आपको छोड़ेंगे नहीं, रात को आपके घर में आके आपके छाती में बैठ के आपकी पिटाई करेंगे। ये उनका फेवरेट प्रोग्राम है, फेवरेट स्टाइल है रिवेंज लेने का, रिवेंज जानते हो ना, बदला। हाँ, ये जगन्नाथ का फेवरेट, कितनी लीलाएं हैं। ये पुंडरिक विद्यानिधि रोज की तरह गए अपने रूम में सो रहे थे पूरी में, और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सोच रहे कब शयन आरती होगी, कब होगी, कब बाहर निकलूंगा। जगन्नाथ निकल पड़े और जाकर बैठ गए छाती पर। पुंडरिक विद्यानिधि को कहते, अच्छा तुम्हें बहुत बुद्धि आ गई है, मेरे जो पंडागण है मुझे कपड़े पहनाते, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, उनके बारे में ऐसे अनाप शनाप बोलते हो। इतना मारा गाल सूज गए। बलराम भी कहते कि तुम नीचे उतर आवे, मुझे बैठने दो मानो कोई गाड़ी चला रहे क्या, आप उतर पाया, बाइक से उतरो, मुझे बैठने दो तो बलराम जी बैठे, उन्होंने पिटाई की। लेकिन जो सुभद्रा है उसका हृदय तो माँ का होता है ना, माँ तो हमेशा दयाद्र होती है, बड़ा सॉफ्ट हृदय होता है, तो कहते नहीं नहीं जाने दीजिए। फिर जब सुबह हो गई ना, ये चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है उसके आखिरी लीला को वर्णित की है, तो वो ये लीला है। ये लीला वर्णन करके किताब खत्म हो जाती है
वृंदावन दास ठाकुर उस ग्रंथ का विराम देते हैं। तो फिर जो सुबह उठते हैं, अभी इनको लगा घर से कैसे बाहर निकलो, गाल का साइज ऐसे पड़ा हो गया था, तो इन्होंने पूरा ऐसा कपड़ा लिया, पूरा ढक ढक के बाहर जा रहे थे। तो गदाधर पंडित कहते अरे, वो दोनों मित्र थे, अरे मतलब कहते कि गदाधर और एक स्वरूप दामोदर थे शायद, स्वरूप दामोदर कहते अरे आप कहाँ, आज तो पूरे कपड़े लगा के आए हो मुंह में। कहते नहीं, उसका कुछ विशेष कारण है। हाँ, तो दिखाया उनको कारण, ये साइज बढ़ाया है जगन्नाथ बलदेव ने, इनका साइज क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव भी बहुत बड़े हैं। हाँ, तो ऐसे ये पुंडरीक विद्यानिधि है। और कौन से हैं आचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनका वर्णन ही क्या, इंद्र समा ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, जिनकी जिनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था, पत्नी अप्सरा के समान थी, उन दोनों को छोड़कर ये क्या करते हैं, महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। एक में वो पुत्र थे उस समय, बहुत करोड़ों करोड़ों उनके पास धन ऐश्वर्य था, लेकिन उन्होंने मल व त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की और स्वरूप दामोदर के अंडर निवास करके भक्ति की। और अंतिम दिनों में वो आते हैं वृंदावन, वहाँ रूप सनातन का आश्रय और आदेश स्वीकार करते करके राधाकुंड में निवास करते हैं। राधाकुंड का जो हम देखते हैं बाउंड्रीज और उनके द्वारा ही निर्मित है, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, और वहीं वो रहे जो विशेष आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत ही विशेष आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर के बाद एक दो पीढ़ियों के बाद वो आते हैं। विश्वनाथ, उनका नाम ही कितना अमेजिंग है, शास्त्र में दिया है विश्वनाथस विश्वनाथ रूपोसो भक्ति वर्त प्रदर्शना भक्त चक्रे वर्तित्वा चक्रवर्ती आख्या भवत। क्योंकि उन्होंने भक्ति पद प्रकाशित किया, इस कारण से भगवान के समान जो विश्व के नाथ है, इसलिए विश्वनाथ उनका नाम है। और वैष्णव समाज में सर्वोच्च स्थान है, इसलिए उनको ये चक्रवर्ती उपाधि दी गई थी, इसलिए उनको क्या कहा गया, चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती सम्राट है ना। तो ऐसे उन्होंने तो कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है, और एक महत्वपूर्ण आचार्य थे, उनके एक महान शिष्य हो गए जिनका नाम क्या था, बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की जयपुर में, गौड़िया संप्रदाय को उन्होंने स्थापित किया। और ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने हमें एक गीत दिया है जो उनके द्वारा रचित है, सुबह उठते ही हम गाते हैं, संसार दावा नल लीन लोका। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दिया हुआ गीत है। वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति इस गीत का गान करता है, तो वो जो व्यक्ति है, वो कहते हैं श्रीमद् गुरु राष्ट्र का मेतद उच्च ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्। कहते गुरु राष्ट्र का उच्च स्वर से ब्रह्म मुहूर्त में जो उच्चारण करता है, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवैव लभ्या जनुषोन्तैव, कि उसके जीवन के अंत में उसे साक्षात वृंदावन नाथ कृष्ण की क्या मिलेगी, प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होगी। तो ये सारे अद्भुत वैष्णव हैं जिनके बारे में आप पढ़ो सुनो प्रार्थना करो, हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में हम स्थिर हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की, श्री पुंडरीक विद्यानिधि की, श्री रघुनंदन दास ठाकुर की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, नित्य गौर प्रेमानंदे।